सो हेगा सिकाल चल रहे भाई। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं RDR2। तो जैसे कि आप सबको याद होगा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक लेजेंडरी एनिमल को मारा था और आज हम लोग उसको सेल करके काफी ज्यादा पैसे कमाने वाले हैं। बाकी साथ ही साथ हमारे कैंप में काफी सारे बढ़िया काम आ गए और जिस काम का हम लोग को इंतजार था फाइनली आज हम लोग बैंक रॉबरी भी करने वाले हैं, वो भी अपनी गैंग के साथ मिलकर। मतलब आज अपने पास काफी ज्यादा पैसा ही पैसा होगा, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एक लाइक शुरू कर देना और हाँ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी यार जरूर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मैंने यार जंगल के बीच में यहाँ पे कैंप लगा लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो गई थी। तो एक काम कर देना, पहले कैंप को यहाँ से भाई फटाफट से उठा लेते हैं, मतलब जो हम लोगों ने बिस्तर विस्तर लगा रखा है, ये कैंप फायर जला रखा है, फटाफट से आग को बुझाते हैं और यहां से निकलते हैं क्योंकि ये जगह ना काफी ज्यादा खतरनाक है। जब मैं यहाँ पे लेजेंडरी एनिमल को हंट करने आया था ना, काफी सारे पैंथर ने मेरे पे अटैक किया, वुल्फ ने भी अटैक किया था, बट सबको मैंने मार दिया। पर अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आसपास ना कोई जंगली जानवर तो है, इसीलिए मैं एक काम करता हूँ ना, अपनी भाई शॉटगन को निकाल लेता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे एक जंगली सुअर पड़ा हुआ है जिसको बड़े जानवर ने मारा, मतलब इसको पक्का पैंथर ने मारा है। आसपास ना काफी सारे वुल्फ और पैंथर है, तो मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए नहीं तो ये लोग मेरा भी शिकार कर सकते हैं। और एक सेकंड यार, जड़ी बूटियों को ना कलेक्ट करते रहो क्योंकि जड़ी बूटियों के ना तीन फायदे होते हैं, एक तो हम खुद भी खा सकते हैं, अपने घोड़े को खिला सकते हैं और तीसरी चीज इनको बेच भी सकते हैं डॉक्टर की दुकान पे, मतलब जो डॉक्टर की यार शॉप होती है भाई जड़ी बूटी वाली, वो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं उनको सेल भी कर सकते हैं। एंड इस वाले एरिया में काफी जड़ी बूटी है यार, तो एक काम कर देना फटाफट से यहाँ से निकलते हैं अपने कैंप को पैक करके। तो अभी हम लोगों ने अपने कैंप को यहाँ पे पैक कर लिया और जो आग चल रही थी हम लोगों ने उसको भी बुझा दिया है। तो फटाफट से हीरा के ऊपर बैठो और यहाँ से निकलो, और रास्ते में ना मेरे को थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यार अक्सर ना ऐसा होता है जब भी ना मैं लेजेंडरी एनिमल को लेकर जाता हूँ कोई ना कोई गैंग वाले ना मेरे पर अटैक करके ना भाई लेजेंडरी एनिमल को ले लेते हैं क्योंकि ये काफी बढ़िया सेल होता है। और आसपास यार कौन से जानवरों की भाई आवाजें आ रही है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे ना जंगली सुअर तो बहुत ज्यादा है। एक सेकंड गाइस, मेरे को यहाँ पे पैरों के निशान आ रहे हैं। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे जो वुल्फ मारे थे वो डिस्पॉन नहीं हुए, वो अभी भी यहीं पे हैं। ये रहे वो वुल्फ, आप लोग को याद होगा मैंने पिछले वाले एपिसोड में मारे थे। पहले इसको भगाना पड़ेगा नहीं तो निकल यहाँ से, इसको मारना पड़ेगा। ये रहे वुल्फ, तो एक काम करते ना इनकी भी स्किन ले लेते हैं। इन सब ने मेरे पे ना रात में अटैक कर दिया था बट मैंने सबको ठिकाने लगा दिया। और ये देख रहे हो भाई इनकी स्किन भी ना सड़ने लगी है, तो एक काम करते हैं स्किन को भी निकाल लेते हैं, कम से कम थोड़े बहुत मतलब खर्चा निकल जाएगा, कुछ तो सेल होंगी। और मेरे को जल्दी से यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे सांप भी हैं भाई, कोई अटैक वटैक ना कर दे। हीरा कहाँ गया? एक सेकेंड, वो रहा हीरा। हीरा के ऊपर फटाफट से स्किन लगा देते हो, और वो जो जंगली सुअर है ना मैं उसको भी उठा लूँगा, मेरे काम आ जाएगा भाई, खाने पीने का काम आ जाएगा। फटाफट से सारी स्किन निकाल, एक काम कर देना हीरा को यहाँ से पकड़। अबे भाई हीरा, हीरा को पकड़ो यहाँ से और उसी साइड में लेकर जाओ सारी जितनी भी स्किन है ना, सारी की चार स्किन होगी, मैंने चार वुल्फ को मारा था। ओके बहुत सही, ये रहे भाई ये जंगली सुअर, मतलब यहाँ पे देख रहे हो वुल्फ को खा रहा था भाई, ये तगड़ा सीन है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से सबकी स्किन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फटाफट से ना सबकी स्किन निकालते हैं एक एक की। तो अभी मैंने सारे के सारे वुल्फ की यहाँ पे स्किन निकाली है, बस एक यहाँ पे वुल्फ रह गया और अभी मुझे ना और भी वुल्फ की आवाज़ आ रही है। तो एक काम करते ना फटाफट से यहाँ से निकलते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे रहा तो कोई ना कोई जंगली जानवर मेरे ऊपर ज़रूर अटैक कर देगा। बहुत सही रहा, एक काम करते हैं ना हीरा को कुछ खिला भी देते हैं, यार मेरे पास ना काफ़ी कुछ है खिलाने के लिए इसको, मैंने काफ़ी कुछ सामान खरीद लिया था। और रास्ते में ना जितनी भी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी ना मैं सब कलेक्ट कर लूँगा। एक काम करते पहले मैप को खोलो, यहाँ देखो मैंने इस वाले लेजेंडरी हिरन को मार दिया। अभी जैसे जैसे मैप खुलता रहेगा, देखो मैप अभी ना पूरा खुला नहीं है, जैसे जैसे मैप खुलेगा ना और भी एनिमल्स आ जाएंगे। तो अभी मेरे को इसको सेल करना है। ये रही शॉप, पास में ही है यार, ज़्यादा दूर भी नहीं है, बस मेरे को संभल के जाना है, पक्का रास्ते में मेरे ऊपर अटैक किसी ना किसी गैंग का ज़रूर होगा, तो मुझे बस उनसे बच के रहना है। तो फटाफट से अभी निकलते हैं और चल के यार लेजेंडरी हिरन को सेल करते हैं, देखते हैं कितने का सेल होता है। $20-30 से ज़्यादा के भी होता है ना तो अपना काम हो जाएगा क्योंकि इसको मारने में ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं हुई थी। तो फटाफट से यहाँ से निकलो और जो भाई रास्ते का व्यू है ना वो एक नंबर आने वाला है, यहाँ से एक नंबर व्यू। तो अभी हम लोग यहाँ से अपने लेजेंडरी एनिमल को सेल करने जा रहे थे बट रास्ते में अभी मेरे को एक भालू नजर आया, गया कहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यार उसको भी मारते हैं एंड उसको भी सेल करके आएंगे, यहीं कहीं पे तो था अभी। एक सेकंड मैं उसको ढूंढता हूँ,
यहीं पे था गाइस, एक सेकंड, वो यहाँ से गया है। फटाफट से आगे की साइड चलते हैं, अगर वो मिल जाता है तो अपने को फायदा हो जाएगा। एक साथ काफी सारे एनिमल को बेचूंगा ना तो मेरा बहुत पैसे हो जाएंगे। यहीं तो गया था यार वो, अभी ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। तेरी तो ऐसे की निकल यहाँ से। हीरा डर रहा है, डर मत हीरा, डर मत। एक सेकंड, बड़ा पंछी है यहाँ पे। ओ भाई देख रहे हो एक साथ कितने ज्यादा शिकार मिल रहे हैं गाइज। पहले इस बड़े वाले पंछी को उठाओ, इन सबको मैं बेचने वाला हूँ। अभी कहाँ गया, कितना बड़ा ईगल था ये पक्का। ये रहा भाई देख रहे हो कितना बड़ा ये, फटाफट से इसको पिक करो। इन सबको बेच के यार देखो पैसा तो अपने को काफी मिलने वाला है। गोल्डन ईगल है भाई ये। और एक सेकंड हीरा डर क्यों रहा है भाई, डर मत किसी से, कोई टेंशन मत ले, मैं सबको मारूंगा जो भी यहाँ पे आएगा। और भालू ना आ जाए यहाँ पे, ये भालू को देखकर ना काफी डर रहा है। एक काम करते पहले इसकी स्किन निकाल, एक सेकंड मैं इसकी स्किन क्यों नहीं निकाल पा रहा। ओके अब निकलेगी इसकी स्किन, बस इसकी ज्यादा बड़ी स्किन ना हो, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी हो गई ना तो फिर मैं इसको ले जा नहीं पाऊंगा, फिर यार नुकसान हो जाएगा। ओके मुझे लग रहा है यार इसकी बड़ी स्किन होगी, यार ये तो बहुत बड़ी स्किन है यार, इसको तो मैं ले जा ही नहीं सकता हूँ, नुकसान हो गया। इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक काम करते हैं इसको फिलहाल यहीं पर छोड़ के जाते हैं, मैं इसको बाद में यहाँ से उठा लूँगा। अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं, पहले अपने लेजेंडरी हिरन को बेच के आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। बाकी शिकार करने में ना हम लोग भाई बहुत माहिर हो गए हैं, तगड़े वाले शिकार ही बन चुके हैं एक एक करके। तो गाइस अभी हम लोग उस बंदे के पास पहुंचने वाले हैं जो हमसे यहाँ पे लेजेंडरी एनिमल को खरीदेगा। और मैं रास्ते में ना यार कहीं पे भी नहीं रुका हूँ, वैसे रोक तो काफ़ी सारे लोग रहे थे और पीछे किसी पे कोई वुल्फ अटैक कर रहा है, पर मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं अभी इसको बचाने बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको बचाने जाऊँ और मैं खुद ही फंस जाऊँ। एक सेकेंड पुलिया तो यहीं चल रही है ना, एक सेकेंड मैं बचा ही लेता हूँ उसको, मेरे सामने ही भाई यहाँ पे कोई मर रहा है। एक सेकेंड ये कौन, एक सेकेंड ओ भाई तेरी तो ऐसी की तैसी। ओके बहुत सही, मैंने उसको, अरे यार मैंने यहाँ पे खड़े होकर गोलियां चला दी, अभी मैं यहाँ कुछ बेच ही नहीं सकता यार। होगी तो मैंने इस बंदे की तो जान बचा दी, यहाँ पे दो वुल्फ इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। ओ भाई कोई दिक्कत नहीं है, इनकी भी स्किन निकालो यार। अभी मैं कितने सारी स्किन बंद मेरे पास हो चुकी है वुल्फ की, और ये वुल्फ कितने ज्यादा बड़े होते हैं देख रहे हो साइज में, भाई घोड़े के साइज का है कम से कम एक वुल्फ, इतने ज्यादा बड़े। बाकी जिस शॉप पे मैं अभी यार सेल करने आया था ना वो शॉप बंद हो चुकी है यार, मैंने गोलियां चला दी उसके सामने, तो अभी मैं यहाँ तो सेल बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ हीरा को यहाँ बुलाता हूँ, आजा बेटा आजा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा यार बेचने, ये गड़बड़ हो गए। एक काम कर देना मैं टेंट लगा के ना यहीं आसपास सो जाता हूँ, सोने से शायद ऐसा हो कि ये अपनी शॉप को अगले दिन खोल दे, क्योंकि अभी के लिए उसने बंद कर दिया। तो एक काम कर देना थोड़ा जंगल के साइड में चलते हैं, पहले इस वाली वुल्फ की भी स्किन निकालो, एंड वहाँ से देख रहे हो ग्लेशियर कितना ज़्यादा प्यारा नज़र आ रहा है यार। इस गेम के जो ग्राफिक्स और डिटेल है ना भाई, एक नंबर है गाइज, एक नंबर, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा गेम है भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारा। ओके तो अभी मैंने इसकी भी स्किन निकाली, एंड फटाफट से इसको भी लगा दो, एंड थोड़ा जंगल के साइड चलते हैं क्योंकि हम लोग ना जंगल के अंदर ही टेंट लगा सकते हैं, तो मुझे वही करना पड़ेगा, टेंट लगा के देखते हैं ये एक बार, काम करके देखते हैं अगर मैं टेंट लगा के सो पाया यहाँ पे। एक काम करते हैं यहाँ टेंट लगा देते हैं, बहुत सही। ओके मैं लगा सकता हूँ यहाँ पे कैंप। ओके तो अभी मैंने अपने कैंप का एक छोटा सा सेटअप कर दिया है, और अभी मैं एक काम कर दूँ ना यहाँ पे सो जाता हूँ। सोने से क्या होगा, उस बंदे ने अपनी शॉप को बंद कर दिया ना, वो शायद अगले दिन खोल दे, इसीलिए मैं सीधे अगले दिन उठूंगा, 15 घंटे के लिए सोने वाला हूँ। होगी तो अभी यहाँ पे सुबह हो चुकी है, और अभी मेरे को इस शॉप पे जाके देखना पड़ेगा। एक काम कीजिए फटाफट से पहले मैप को खोलते हैं। ओ भाई शॉप ओपन हो गई गाइज, तो जो अपना प्लान था भाई वो काम आ गया है। तो कैम्प को ना अभी मैं बंद नहीं करता हूँ, कैम्प को आके मैं बंद कर दूंगा, बट अभी ना पहले यार सामान को सेल करना बहुत जरूरी है, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है, ये चीज़ बढ़िया है। ओके बॉस ही चढ़ जा। ओके बॉस सही, तो जो ये बंदा है ना ये सारे लेजेंडरी एनिमल को भी खरीदता है, और बाकी जितने भी बड़े एनिमल होते हैं ये उनके ना काफ़ी अच्छे रेट दे देता है, एंड मेरे पास पहले से भी पैसे है तो सेल यहाँ पे करते हैं। सेल करने के लिए देख रहे हो मेरे पास कितनी ज़्यादा चीज़ें हो चुकी है, तो पहले जो लेजेंडरी एनिमल है यार वो ओके ये रहा लेजेंडरी एनिमल, $31 का यार। वैसे इसकी वैल्यू $50 तक होती, बट मैंने ना इसको थोड़ा गलत तरीके से मारा था, जितनी ज़्यादा हम लोग इनकी स्किन डैमेज कर देते ना ये उतना कम का सेल होता है। बाकी वुल्फ की स्किन भी शायद $1 की सेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बड़ा है ना सब बेचना है भाई मेरे को सब।
कुछ रखना ही नहीं। ओ भाई गाइस सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पे बेच दिया एंड करीब मेरे को लगता है $50 का तो मेरी यहाँ पे कमाई हो गई, 50 नहीं तो $40 की तो हो गई होगी कमाई भाई। अच्छा खासा सामान मैंने इसको चिपका दिया भाई, बहुत ही सही। तो अब ये काम करते हैं कैंप की तरफ। एक सेकेंड, वहाँ पे एक मेरे को ईगल दिखाई दे रहा है फिर से, एंड इस बार मैं इसको अपनी बो से मारने वाला हूँ। एक मिनट, ये रहा। ओ भाई कहाँ निशाना है देख रहे हो भाई, शिकारी तो मैं बन चुका हूँ आरडीआर में, कुछ भी बोलो। ये देखो इसको भी सेल कर ही देते हैं चल के। भाई कितना बड़ा है ये भाई, बहुत बड़ा है ये कुछ सेंट का सेल होगा शायद, ज़्यादा मतलब ज़्यादा का तो सेल नहीं होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला ईगल दूसरा है जो मैंने उस टाइम मारा था, वो दूसरा था। $2 का है ये गाइस, मुझे लगा था कुछ सेंट का होगा बट $2 का है, काफ़ी बढ़िया कीमत का है यार। तो इससे हीरा का खर्चा भी निकल जाएगा एंड मेरे को बुलेट्स वगैरह भी लेनी है तो मेरा काम तो हो जाएगा आराम से। एंड आप बैंक रॉबरी करने से पहले मेरे को बुलेट्स वगैरह तो लेनी लेनी है, तो पहले जहाँ मैंने कैंप लगाया था वहाँ चलते हैं क्योंकि पास में ही मैंने कहीं सेटअप किया था। वो देखो वो आग निकल रही है, तो फटाफट से पहले कैंप को पैक कर लेते हैं एंड जो कैंप फायर मैंने जलाया उस आग को भी बुझाते हैं और जल्दी से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे आग को भाई बुझा दिया है, अभी फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। एक सेकेंड, ये ईगल यहाँ पे क्या कर रहा है यार, मैंने इसको बेचा नहीं क्या? क्योंकि तो मुझे लगता है कि यार मैं इसको यहाँ पे नीचे गिरा के चला गया था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा और मेरे को जाना है वैलेंटाइन की तरफ, क्योंकि मुझे लेनी है गन्स मतलब गोलियाँ वगैरह खरीदने, मेरा बिल्कुल भी गोलियाँ नहीं है। ये रहा वैलेंटाइन, एंड वैलेंटाइन में तो गोलियाँ मिलती है और आसपास कहीं पे मिल रही हैं क्या? ओके ब्लैक वाटर तो मैं जा ही नहीं सकता हूँ, तो अभी हम लोग वैलेंटाइन की तरफ निकलते हैं। और ट्रेन देख रहे हो भाई क्या मस्त लग रही है। तो पहले क्या इस वैलेंटाइन चलते हैं, वहाँ से पहले हम लोग अपनी गोली वगैरह ले लेते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी गोलियाँ नहीं है, मतलब है थोड़ी थोड़ी गोलियाँ रह गई है, बहुत कम। देखो शॉटगन की खत्म हो गई, राइफल की भी खत्म हो रही हैं, बहुत कम गोलियाँ हैं। तो पहले चल के गोली वगैरह ले लेते हैं एंड उसके बाद कैंप में चलते हैं एंड कैंप में देखते हैं कि यार कौन कौन से काम आ रखे हैं। बैंक रॉबरी तो आ रखी है तो बैंक रॉबरी भी करनी है, उसके साथ साथ और भी बढ़िया बढ़िया काम करने हैं। तो फटाफट से निकलते हैं भाई वैलेंटाइन के लिए। तो गाइस अभी हम लोग वैलेंटाइन पहुंच चुके हैं, फटाफट से चल के यार गोली वगैरह खरीदते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि यार हीरा के लिए ना थोड़ा खाना वाना भी ले लिया जाए, वैसे खाना तो मेरे पास है तो खाना लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गोलियाँ लेते हैं। एंड मेरे पास तो थोड़ी सी मेडिसिन है, उसको भी सेल कर दे क्या? चलो एक काम करते हैं, देख लेते हैं पहले फटाफट से वेपन की शॉप में चलते हैं एंड चल के पहले गोलियाँ लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे को पहले तो शॉटगन की एमो लेनी है। एक काम करते हैं कस्टमाइज में जाते हैं, ओके बुलेट राइफल की मेरे को हाँ एमो खरीदनी है, इसकी एमो खत्म हो गए हैं। सबसे ज़्यादा हाई वाली खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा जो है तो फुल इसको भी ले लो, फुल कर लेता हूँ जो जो मेरे पास है, ठीक है। स्टाइल मैं कुछ नहीं बदलने वाला हूँ एंड मेरे को शॉटगन की लेनी है। एक सेकंड यार शॉटगन का, ये रही शॉटगन, तो इसकी मैं क्लीन करा लेता हूँ पहले इसको एंड इसके लिए भी ले लो। जितनी मेरे पास गन है ना मैं कहीं सबके लिए लेने वाला हूँ, फुल करने वाला हूँ सारी की सारी फुल, ताकि मेरे को बार बार ना आना पड़े। ये वाली गन मैं बहुत यूज़ करता हूँ एंड इसके लिए मैं फुल कर, एक सेकेंड, इसकी एमो है मेरे पास क्योंकि रेगुलर वाली नहीं थी बट दूसरी वाली एमो है मेरे पास, मैंने नोटिस ही नहीं किया यार। एंड और कौन कौन सी मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक मैं रिवॉल्वर भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, ये वाली राइफल भी क्लीन कर लो। जितनी भी एमो है ना सारी ले लो ताकि बार बार ना आना पड़े। मेरे पास बहुत राइफल है यार, एक ही राइफल भी है, इसकी फुल एमो है मेरे पास, इसको तो यूज ही नहीं किया। एक सेकंड ये क्या है, ओके कितनी गन है यार मेरे पास, बहुत गन है यार मेरे पास तो भाई देख रहे हो खत्म ही नहीं हो रही। इतनी रिवॉल्वर भी है ना मेरे पास, क्लीन करो इसको एंड इसकी भी मैं ले ही लेता हूँ, बहुत है, इतनी एमो काफी है फिलहाल के लिए गाइस। इतनी मेरे पास गोलियां काफ़ी है, इतने से काम चल जाएगा, इतने से बैंक रॉबरी भी हो जाएगी एंड और भी बहुत सारे काम हो जाएंगे, बहुत सही। तो इतनी चीज़ काफ़ी है मेरे पास, काफ़ी कुछ हो गया। देखो 60 इसकी आम हो गई, 125 इसकी हो गई एंड काफ़ी सारी आम हो गई। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और हीरा देख रहे हो कितना गंदा हो रहा है। तो पहले तो भाई हीरा को ना मेरे को ब्रश करना है क्योंकि बहुत ही गंदा है भाई, पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ, ब्रश वगैरह कर लेता हूँ। इसको पूरा का पूरा क्लीन करो भाई, मतलब मिट्टी मिट्टी पूरी बॉडी में इसकी मिट्टी मिट्टी हो गई है भाई, एक ब्रश मेरा एकदम क्लीन हो जाता है। एंड इसको फटाफट से कुछ खिला भी देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते, पहले एक काम करते हैं फटाफट से मैप को खोलते हैं, अपने कैंप के तरफ मेरे को चलना है। और मेरा कैंप कहाँ पे, ओके ये रहा मेरा कैंप भाई, बहुत दूर है। ओके डच का भी काम आ रखा है यहाँ पे, दो दो काम आ रखे हैं,
तो यहाँ पे चलते हैं, पहले इधर चल के देखते हैं कि यार क्या काम करना है, क्योंकि डच का अगर मैं कोई काम करूँगा तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। और अभी मेरे को ना डच का कोई काम नहीं करना है, क्योंकि डच के काम में क्या होता है ना, पुलिस का खतरा बहुत ज़्यादा होता है भाई, पुलिस हमारे पीछे बुरी तरीके से पड़ जाती है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं एंड कैंप के चल के कुछ काम करते हैं। तो अभी मैं अपनी कैंप की तरफ जा रहा था और रास्ते में मेरे पीछे यार काफी सारे बंदे पड़ गए, और तुम लोग यहाँ देख रहे हो ये लोग रास्ता रोक कर खड़े हुए हैं। भाई एक सेकेंड, पीछे से भी बंदे पड़े हुए हैं, आगे से भी बंदे पड़े हैं, मेरे को फटाफट से यहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर मैं रुक गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई, ये मेरे को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। एंड गाइस ये लोग बाउंटी हंटर्स हैं, तो अगर ये लोग मेरे को मारते हैं तो इनको पैसे मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पुलिस से पंगा लेते रहते। तेरी तो निकल यहाँ से भाई, छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं इसको, ओके कोई दिक्कत की बात है, फटाफट से निकलो 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 यहाँ से। अभी एक बंदा मेरे पीछे आ रहा है, ये भी मरेगा, आ जा बेटा, तेरे को भी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ के सारे बंदों को मार दिया मैंने, तो तू क्या चीज़ है। एक सेकंड, मैं इसको आराम से मारूंगा, सिर्फ एक रह गया ना, अब कोई दिक्कत नहीं, आ जा बेटा आ जाओ भाई। अगर उसको गोली नहीं लगती ना तो मैं टपकने वाला था। मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है। ओके मैं वांटेड हो चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। निकलो 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 निकलो, मैं कैंप के ना एकदम नज़दीक पहुँच गया था, मैं पहुँचने ही वाला था इस कैंप में, और अचानक से लोग रास्ता घेर कर खड़े हुए थे यार, सीधे इन लोगों ने अटैक कर दिया। वो तो अच्छा है कि मैं वहाँ से भाग गया, अगर मैं वहाँ से नहीं भागता ना तो पहले ये लोग मेरे को मारते और मेरा पैसे चोरी करके ले जाते। तो अभी मेरे को रुक कर यहीं पर इंतज़ार करना होगा, जैसे पुलिस चली जाए वहाँ से उसके बाद अपने कैंप पर चलते हैं। तो गई सभी पुलिस जा चुकी है और अभी हम लोग अपने कैंप में जा सकते हैं, तो फटाफट से यार अपने कैंप में चलते हैं। मेरा कैंप आगे के साइड है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। बाकी मेरे पे बाउंटी ना और ज़्यादा बढ़ चुकी है, $5 और बढ़ गई है, तो यार मेरे को बाउंटी भी पे करनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसी रास्ते में ना लोग मेरे को घेरते रहेंगे, क्योंकि बाउंटी हंटर्स का काम होता है भाई, वो पुलिस के लिए काम करते हैं एंड वो अगर हमें मारते हैं ना तो पुलिस उनको पैसे देती है, इसीलिए वो रास्ते में घेर के खड़े हो जाते हैं। बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं बच गया उनसे, पर आगे मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़त्म कर सकते हैं। और ये रास्ता कितना खतरनाक है यार। वैसे मैं अपने कैंप के पास पहुंच गया हूँ भाई, जंगल के बीचों बीच है इस बार अपना कैंप, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पेड़ों के बीच में से जाएंगे। हीरा टेंशन नाले बस पहुंच गए कैंप में, जाके आराम से तू खा पी लेना, कोई दिक्कत नहीं। ओके तो कैंप के बंदे पीछे खड़े थे, फाइनली हम लोग कैंप में आ चुके हैं एंड चल के यहाँ पे थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं पहले एंड उसके बाद चल के कुछ काम वाम करते हैं। ओके तो इसको यहाँ रोक दो, हीरा को, ये भी खा पी लेगा, खाना देख लेता हूँ, कुछ खाना वाना बना हुआ है क्या। ओके ये फिशिंग करने जा रहा है बंदा, इससे तो दूर रहना भाई, मेरे को फिशिंग करने तो बिल्कुल भी नहीं जाना। खाना कुछ बना है क्या, एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा। ओके खाना कुछ बनाया ही नहीं है भाई इन लोगों ने। ओके यहाँ पे मेरे को देखना पड़ेगा, अभी खाना नहीं बना, अभी इंतजार करना पड़ेगा। ओके तो अभी हम लोग को भाई आफ्टरनून के बाद खाना मिलेगा यार, खाना कुछ बनाया ही नहीं है, ये भी बड़ी दिक्कत है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, खाना हम लोग बाद में खाएंगे, बाकी चल के फटाफट से कैंप के बंदों से बात करते हैं एंड चल के यहाँ के काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे काम आ रखे हैं। वो रहा वहाँ पे बंदा, उससे बात करते हैं चल के। तो गाइस ये रहे अपनी गैंग के बंदे यहाँ पे विल, और इससे फटाफट से बात करते हैं, शायद अभी हम लोग इसी के साथ मिलकर बैंक रॉबरी करने वाले हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे बैंक रॉबरी की लोग प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं और विल ने मेरे को सब कुछ समझा दिया। विल बोल रहा है कि हम लोग को वैलेंटाइन में जाना है एंड वहां पे जाके बैंक रॉबरी करेंगे, वो भी अपनी गैंग के साथ मिलकर। तो गाइस अभी बहुत मजा आने वाला है भाई बैंक रॉबरी में, और मेरे को ये देखना है कि उससे अपने को पैसा कितना मिलेगा। होगी तो अभी यहाँ पे प्लानिंग वगैरह हो चुकी है, डायनामाइट मैंने ले लिया है, अभी अपने को विल के साथ चलना है, पूरी गैंग बना के जा रहे हैं। ओके तो हम लोग टोटल 4 बंदे जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 4 बंदे मिलकर बैंक लूट लेंगे, कोई नहीं है। वैलेंटाइन यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वैसे पहले जो अपना कैंप था ना वो वैलेंटाइन में ही था, बट कोई दिक्कत नहीं। और तुम लोग बैग देख रहे हो, मैंने एक्स्ट्रा बैग ले रखा। ओके तो मेरे पास यहाँ पे डायनामाइट है, इसीलिए ले रखे हैं मैंने एक्स्ट्रा बैग, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसका विल का घोड़ा देख रहे हो तुम, मेरे घोड़े के 4 गुना मोटा तगड़ा है ये, ऐसा ही घोड़ा चाहिए गाइस मेरे को बाद में। भाई क्या घोड़ा है, हाथी चला रहा है यार, ये इतना बड़ा घोड़ा भाई, ऐसा घोड़ा चाहिए गाइस मेरे को भी, ऐसा घोड़ा भाई। हीरा देख रहे हो कितना पतला कमजोर लग रहा है इसके सामने, पर कोई दिक्कत नहीं, अपना हीरा गोली की रफ्तार से भागता है भाई सबसे ज्यादा देर, तो कोई दिक्कत नहीं यार, अभी हम लोग इसी घोड़े से काम चला लेंगे।
आगे जाके कुछ बढ़िया घोड़े भी खरीदेंगे जब पैसा वैसा हो जाएगा। बाकी एक काम करते हैं फटाफट से यार, वैलेंटाइन चलते हैं और चल के यार बैंक रॉबरी करते हैं। तो गाइस अभी हम लोग वैलेंटाइन पहुंच चुके हैं और अभी हम लोगों ने एक प्लान भी बना लिया है। वैसे अभी बैंक में लंच टाइम चल रहा होगा, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होंगे, तो हम लोग को वहां पे चलाकी से बैंक के अंदर जाना है और उसके बाद बैंक में रॉबरी करनी है। एंड हम लोग को ना जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है क्योंकि यहाँ की पुलिस वैसे भी हम लोग को ढूंढ रही है और अगर पुलिस ने पहचान लिया तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी हम लोग एकदम आराम आराम से जा रहे हैं एंड हम लोग सिर्फ चार बंदे आ रखे हैं और मैंने अभी कैप वगैरह पहन लिया है। वैसे हम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं क्योंकि अगर मास्क वगैरह लगाएंगे ना तो लोगों को शक हो जाएगा कि कुछ गड़बड़ करने आए हैं, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज बैंक रॉबरी तो होकर रहेगी भाई, वैलेंटाइन में कुछ भी हो जाए। वैसे भी अभी वैलेंटाइन से हम लोग को कोई ज़्यादा काम वाम नहीं है, सिर्फ गोलियाँ खरीदे मैं आता हूँ। हमने कैंप तो यहाँ से शिफ्ट कर लिया है तो अभी आराम से चलते हैं और वो रहा पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन से मेरे को थोड़ा दूर रहना है, पुलिस स्टेशन के पास में ही ना बैंक है ना। एक सेकेंड, ओके तो यहाँ पे अपने को घोड़ों को लगाना है। मैंने तो अपना घोड़ा छोड़ दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरा तू यहीं पे खड़े रहना। और हीरा बार बार गंदा कितना हो जाता है यार, वाइट घोड़े की ना यही दिक्कत है, वाइट घोड़ा ना बहुत गंदा हो जाता है। ओके तो अभी मेरे को इनके पीछे पीछे जा रहा है, मेरे को नहीं पता इनका प्लान क्या है क्योंकि इन लोगों ने अच्छे से नहीं बताया। कोई दिक्कत नहीं है, चलो चलो डरो मत भाई, मैं तुम्हारे साथ। और बैग में मेरा डायनामाइट ले रखा है, मतलब तबाही तो यहाँ तगड़ी वाली होने वाली है। ओके तो ये तो गन शॉप है ना, ओके गन शॉप के बगल में बैंक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलना है हम लोग को, बहुत सही। तो भी यहाँ पे प्लान बन रहा है कि आखिरकार क्या करना चाहिए। ओके तो लॉस्ट गर्ल हम लोग कर देते हैं। ओके तो ये आइडिया एकदम बढ़िया रहेगा, हम लोग को अंदर जाके नाटक करना है कि यार कोई लड़की वगैरह खो गई है, मतलब कोई बच्चा खो गया है। जो हमारे गैंग से लेडी आई है ना, ये वो नाटक करने वाली है और उसी बीच हम लोग बैंक के अंदर एंटर कर जाएंगे। देखो यहाँ पे भाई, यहाँ पे नाटक चालू हो चुका है, फुल एक्टिंग तगड़ी हो रही है, हंस रहे सारे लोग भाई, क्या तगड़ी एक्टिंग। और डिटेलिंग देख रहे हो, फेस पे पसीना आ गया, बारिश भी हो रही है भाई, तगड़ा सीन है गाइस, फुल मजा आने वाला है भाई बैंक रॉबरी में, फुल मजा। वो देखो अंदर चल रहा है भाई, फुल नाटक चल रहा है। ओके बैंक वालों को कंफ्यूज कर रही है वो, उसी बीच हम लोग अंदर एंटर कर जाएंगे। ओके वो बोल रही है कि उसका बच्चा खो गया है भाई, क्या खतरनाक एक्टिंग चल रही है यार, तगड़ी एक्टिंग। ओ भाई तेरी तो ऐसी की तैसी, किसी को शूट नहीं, वो देख रहे हो, बहुत सही, चलती डोर को खोल, वो देख रहे हो भाई, लड़की बड़ी खतरनाक है भाई। ओके मेरे को इसको खोलना है, तेरी तो ऐसी की तैसी, फटाफट से निकाल, पैसे निकाल जाती। ओ तेरी भाई आर्थर यार, क्या धक्का दे देता तगड़े तरीके से, जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी खोल फटाफट, टाइम नहीं लगाना है, जल्दी खोल भाई जल्दी, अपने पास टाइम नहीं है भाई, जल्दी पुलिस आ सकती है, जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी खोल भाई, ये टाइम लगा रहा है, जानबूझ के टाइम लगा रहा है, इसको एक और मारना पड़ेगा इसके सर में, जल्दी खोल भाई, सर तोड़ दूंगा तेरा जल्दी, ये जानबूझ के टाइम लगा रहा है ये पुलिस को बुलाने के चक्कर में, एक और पड़ेगा इसके, तेरी तो जल्दी खोल जल्दी, मैं इसको मार नहीं सकता, अगर मैंने इसको मारा तो यही काम खराब हो जाएगा, इसीलिए इसको मार नहीं सकते। अबे लॉक भाई, ओके खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, लॉक हट यहाँ से, ओ तेरी। तो अभी अपने को लॉकर को तोड़ना पड़ेगा फटाफट से यहाँ पे चल के, भाई लॉकर है कहाँ पे। ओके तो ये रहे लॉकर, एक एक करके इनको तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, इन्हें खोलना कैसे। ओके ये आ गया खोलने के लिए, अब जल्दी खोल जल्दी खोल जल्दी खोल, मैनेजर को तो हम लोगों ने सुला दिया यहाँ पे, एक काम करते हैं इनको तोड़ देते हैं ना, क्योंकि मैनेजर तो अभी यहाँ पे है नहीं भाई, खुलेंगे। ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, देखो इसको खोलना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्राई कर दे गाइस, ट्राई कर दे क्रैक करने का, शायद ये खुल जाए। तो अभी मैं इसको क्रैक करने का ट्राई करता हूँ क्योंकि अगर ये क्रैक नहीं होती है ना तो दिक्कत हो जाएगी। ओके मुझे नहीं पता ये क्रैक होगी या नहीं होगी गाइस। ओके एक तो आवाज आई है, ओके मुझे बस ऐसे हल्के हल्के से क्रैक करना है इसको, क्योंकि अगर गाइस गलत हो गया ना तो अलार्म टाइप कुछ बच जाएगा, और अगर अलार्म बजता है तो पुलिस बहुत ज्यादा पास है हमारे भाई, पुलिस आ सकती है कभी भी। इसको तोड़ना पड़ेगा लॉक को, ओ खुल गया गाइस, पैसा ही पैसा होगा अपने पास अब, $3,000
ओके अपने को आराम से खोलना है, वो लोग बोल रहे हैं जल्दी खोलो, बट ये जल्दी का काम नहीं है भाई। ओके खुल गया, जल्दी का काम नहीं, आराम से खोलना है, अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो दिक्कत हो जाएगी फटाफट से। ओके खुल गया ये भी, भाई मुझे डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अगर पुलिस आके ना गाइस तो यहाँ बहुत गंदा सीन होने वाला है। खुल गया, एक और लॉक खोल दिया, फटाफट से इसके अंदर से भी पैसा निकालो, यहाँ पे भी बहुत पैसा है। ओके कितना पैसा मिला मेरे को, $4,000 भाई, अमीर होने वाला आर्थर, फुल अमीर। वैसे कैम को भी हम लोग को पैसा देना पड़ता है, सबको कट देना पड़ेगा, मुझे नहीं पता उसके बाद कितना पैसा बचेगा। $1,000 भी मिल गया ना गाइस तो मजा आ जाएगा, $1,000 भी बहुत है यार इस गेम के लिए, $1,000 भी बहुत है। बस आराम से लॉक खोलना है, आराम से, कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई दिक्कत हो जाएगी। बहुत से खुल गया ये भी, एक बार और करना है यार, कितनी बार खोलना है वो तो अच्छा है, अर्थर क्रैक कर ले रहा है, अगर इन्हें क्रैक नहीं कर पाएगा ना तो दिक्कत हो सकती थी। फटाफट से इसको भी पैसे अंदर निकालो, नीचे भी रखे पैसे यार, इसमें तो ज्यादा होने चाहिए। ओके इसको भी खोलो, बहुत सारी यार, सारी खोलेंगे जितनी भी यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे बस लास्ट रह गई है, सारी हम लोगों ने क्रैक कर ली, जितना भी पैसा था सब लूट लिया है, बस अभी लास्ट रह गया, फटाफट से इसको भी खोलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितना पैसा निकलने वाला है, वैसे एक ही में $4,000 निकले हैं, बाकी तो सब कम ही निकले थे। ओके बहुत सही, तीन बार लॉक खोलना होता है, तीन बार क्रैक करना है, एक बार हो चुका है। ओके बहुत सही, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ। ओके दो बार क्रैक हो गया, एक बार और क्रैक करना है, तीन बार क्रैक करती ना लॉक ओपन हो जाता है अपने आप। तो मुझे लगता है डायनामाइट का तो यूज़ करा ही नहीं, बहुत अच्छा है, अगर डायनामाइट का यूज़ करते रहे गाइस तो पुलिस को जल्दी पता लग जाता, ये चीज़ बढ़िया की हम लोगों ने। ओके बहुत सही, पैसे तो हम लोगों ने लूट लिए, फटाफट से यहाँ से निकलो, अबे गैंग वाले बंदे पहले निकल रहे हैं, मेरे को भी जल्दी जल्दी से निकलना पड़ेगा। बहुत सही, कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं, निकलो 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 निकलो, बहुत सही। ओके निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, किसी को पता नहीं लगा, किसी को पता नहीं लगा, हम लोग उनको मार नहीं रहे भाई, चिल्लाना मत, अगर तुम लोग चिल्लाए ना तो वापस आके मारूंगा तुम्हें। ओके चुपचाप से निकलो, चुपचाप से निकलो भाई, किसी को पता भी नहीं लगा अभी तक। बहुत सही, बहुत सही, निकलो 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 भाई, किसी को पता नहीं लगा अभी तक, बस किसी को, वो लोग ना किसी को बुला ना लें, अगर बैंक वालों ने पुलिस को बुला लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने उन्हें मारा नहीं है, हम लोग चुपचाप से बस निकल रहे हैं यहाँ से। ओ भाई यार उसने पुलिस वाले को बुला लिया, चिल्ला दिया उस बंदे ने, अभी निकलना पड़ेगा फटाफट, निकलो 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 भाई, भागो 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 यहाँ से। बहुत सही, हीरा के ऊपर मैं तो बैठ गया, निकलो यहाँ से, भागना पड़ेगा फटाफट से भाई, वांटेड हो चुके हैं, डेड और अलाइव यहाँ पे भाई पकड़ने का आ चुका है, भागो 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 यार, उनको छोड़कर गलती कर दी, मैं अभी शॉटगन निकालता हूँ, क्योंकि जो भी नज़दीक आएगा ना भाई एक गोली में निपटाने वाला हूँ। अबे विल हट जा यार अपने सांड से घोड़े को लेकर, यार देख रहे हो मेरा घोड़ा इतना पतला है बेचारा, उसके बीच में लेकर आ रहा है। निकलो 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 फटाफट से निकलो, मैं तो सबसे आगे निकल रहा हूँ भाई, तुम लोग आते रहना, एक सेकंड आगे से एक बंदा आ रहा है ना, आ जा बेटा पहले तुझे सुलाता हूँ, आ जा, जो आगे से आएगा वो तो मरेगा मेरे हाथ से, कोई दिक्कत नहीं, भाग, दो बंदे आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है, निकलो यहाँ से, निकल तेरी तो ऐसी तसी, भागो 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 भागो, जितने बंदे आएंगे ना मैं ट्राई करूँगा उन्हें मारने का, क्योंकि रुकना नहीं है, अगर रुके ना तो फंस गए बहुत बुरी तरीके से, बस भागते रहना है, क्योंकि पुलिस ना बहुत बुरी तरीके से पड़ रही है हमारे पीछे, यहाँ कहीं से कोई आ रहा है, निकल तेरी तो ऐसी की तैसी, एक सेकंड, निकल तेरी तो ऐसी की तैसी, बहुत सही, निकलो 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 निकलो, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से, भागो 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 भाई, ने मारना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा पुलिस आ रही है, वो देखो सामने से पुलिस आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, सामने वाले को तो मैं निपटा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरी ऐसी निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी निकल यहाँ से, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, सिर्फ एक बंदा रह गया, एक बंदा रह गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उनके हत्ते नहीं चढ़ने वाले, निकल जाएंगे निकल जाएंगे निकल जाएंगे, रुकना नहीं है, बस रुक गए तो गड़बड़ी हो जाएगी, रुकना नहीं है गाइस, रुकना नहीं है, भागते रहो बस, मैं सबसे आगे चल रहा हूँ, मैं सबसे आगे, देखो भाई बड़ा घोड़ा होने मतलब फ़ायदेमंद नहीं होता, घोड़ा तेज होना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग अपनी गैंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, और अभी फटाफट से मेरे को ऐसे निकलना पड़ेगा, बहुत सही,
तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, अगर ट्रेन नहीं आती तो हम लोग बहुत बुरा फंस जाते, तो पुलिस काफी पीछे रह गई और हम लोगों ने काफी पुलिस वालों को मार दिया भाई, ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया हुई है। तो अभी हमारे पास काफी पैसे हो चुके हैं और अभी अपनी गैंग भाई अमीर हो गई है। और यहाँ पे लैग क्यों रहा है गाइस, हल्का फुल्का लैग हो रहा है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना यहाँ पे, मेरे को नहीं पता इतना लैग क्यों हो रहा है ये। तो अभी मैंने अपनी पूरी की पूरी गैंग को पैसे देकर यहाँ से भेज दिया, मेरे को नहीं पता अभी मेरे को कितने पैसे मिले हैं, तो फटाफट से यहाँ से पहले चेक कर लेते हैं कि यार अपने को पैसे कितने मिले हैं। हम लोगों ने यहाँ से पूरा का पूरा हिस्सा बंटवारा कर दिया, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सिर्फ $800 ही है। एक सेकेंड, मेरे को अभी पैसे नहीं मिले गाइस, मुझे लगता है कि मेरे को बाद में पैसे मिलेंगे। ओके, तो अभी मेरे को यहाँ से जाना है कहीं और पे, शायद उसके बाद मेरे को पैसे मिलेंगे, तो फटाफट से पहले हम लोग वहाँ पे चलते हैं। और बीच में ना हल्का फुल्का सा लैग हो रहा था यार, मेरे को नहीं पता क्यों लैग हो रहा था, पर काफ़ी गंदा लैग हो गया था यार बीच में अचानक से। पर यार पुलिस को क्या ही गंदा मारा यार, हम लोगों ने बहुत ही गंदा मारा और पुलिस से हम लोग बच के भी आ गए। तो गाइस अभी हम लोग किसी के रेंच पे जा रहे हैं और मेरे को लग रहा है कि यार अभी हम लोग ना पैसे वसूली करने जा रहे हैं, मतलब आर्थर पहले यही काम करता था, लोगों से पैसे वसूल करता था। ओके, तो हाँ मेरे को याद है मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम पहले भी आया था एंड यहाँ पे मैंने एक फार्मर को काफ़ी मारा था पैसों के लिए, और मैं यहाँ पे शायद पैसे लेने ही आया हूँ। ओके, तो ये रही उसकी फैमिली, मतलब उस फार्मर की। ओके, बहुत सही। ओके, तो ये लोग यहाँ से शायद जा रहे हैं, लोगों ने अपनी जगह वगैरह बेच बेच दी है और ये लोग अभी। ओके, तो ये अभी लोग यहाँ से टाउन को छोड़कर जा रहे हैं और आर्थर यहाँ पे पैसे वगैरह लेने आए हैं। तो अभी यहाँ पे आर्थर ने यार पैसे वगैरह ले लिए हैं एंड आर्थर ना पैसे वसूली भी करता है, मतलब हमारी गैंग के कुछ लोग पैसे देते हैं एंड अगर कोई वापस नहीं करता है तो आर्थर जाता है उनसे पैसे वसूल करने, आर्थर का यही काम है। तो अभी हम लोग फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और सिनेमैटिक तुम लोग देख रहे हो यार, इस गेम के सिनेमैटिक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो गाइस अभी हम लोग अपने कैंप में आ चुके हैं और अभी मेरे को पैसे वगैरह भी मिल चुके हैं और तुम लोग यकीन नहीं करोगे, पहले मेरे पास $800 थे और अभी मेरे पास कितने पैसे हो गए हैं। तो मेरे को काफ़ी सारे पैसे मिले हैं, मेरे को लगा नहीं था कि मेरे को इतने पैसे मिलेंगे, मेरे पास $3,300 हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है। अभी मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ, मतलब मैं कपड़े ले सकता हूँ, गन ले सकता हूँ, एक बढ़िया सा घोड़ा भी ले सकता हूँ, पर अभी घोड़ा मैं नहीं लेने वाला, घोड़ा कुछ टाइम बाद लेंगे, जैसे जैसे अपनी रैंक खुलेगी ना घोड़ा हम लोग बड़ा और बढ़िया लेंगे। तो घोड़े के लिए मैं अभी रुकने वाला हूँ, घोड़ा तो हम लोग बाद में लेने वाले हैं, बट उससे पहले यार खाना खा लिया जाए, काफ़ी देर हो चुकी है मैंने खाना नहीं खाया है। और मैं जब भी कैंप में आता हूँ ना खाना सारा ख़त्म हो जाता है, कैंप के लोग भाई सारा खाना सब चट कर जाते हैं, तो फटाफट से पहले खाना वगैरह खा लेते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि यार कैंप में हम लोग और क्या क्या चीज़ अपग्रेड कर सकते हैं। ओके, बहुत सही। तो मुझे ना कैंप में अभी काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। ओके, तो यहाँ पर मैं डोनेशन वगैरह दे सकता हूँ, बट अभी बुचर की शॉप यहाँ पर ओपन हुई है, उसको हम लोग को ओपन करना है। तो पहले चलते हैं कैंप में, थोड़ी डोनेशन दे देते हैं। वैसे कैंप में मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे डोनेट करता रहता हूँ, बट अभी मेरे पास काफ़ी पैसा है तो थोड़ा बहुत डोनेट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं यार, अपना ही कैंप है, अपने ही लोग हैं, तो थोड़ा बहुत डोनेट करना तो बनता ही। ओके, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि किस किसने कितना पैसा डोनेट किया एंड मैं भी पैसे डोनेट करने वाला हूँ। वैसे मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें आइटम देखता हूँ क्या क्या। ओके, तो $8 की मेरे पास दो घड़ी है ना, तो एक काम करता हूँ ना, इन दोनों को डोनेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, $16 डोनेट करना मतलब काफ़ी ठीक है यार, $16 का मैंने डोनेट कर दिया, बहुत सही। एंड अभी मैं और भी चीज़ें देख लेता हूँ, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे कैंप में हो रखी हैं, मैं नेक्स्ट पेज में यहाँ पे जाता हूँ एंड ये सारी चीज़ें देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप वगैरह तो ओपन करवा दी हैं, बट यहाँ पे अभी बुचर की शॉप ओपन होना रह गई। एक सेकंड यार, मैं इसको ओपन कर सकता हूँ क्या, इसको देखना पड़ेगा। जो जो शॉप मैं यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ ना गाइस, वो शॉप मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ ताकि अपने कैंप में ना हर एक चीज़ मिले। तुम लोग यहाँ देखो, अभी कैंप में ना एक एक चीज़ हो जाएगी, बुचर की शॉप भी यहीं पे हो जाएगी, तो मेरे को एनिमल कहीं और सेल नहीं करने होंगे, जो भी मैं एनिमल को हंट करूँगा वो मैं यहीं पे सेल कर दूंगा। पूरा अपग्रेड कर देना है इसको, नेक्स्ट पेज में क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये भी कर सकते हैं, हॉर्स स्टेशन बना सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यार, हॉर्स स्टेशन बन गया, मतलब हम लोग हॉर्स को यहाँ पर रख सकते हैं, ये चीज़ एकदम बढ़िया यार, एकदम बढ़िया काम करेगी। तो ये तो हम लोगों ने कर दिया, साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे नीचे क्या है, चिकन कूप। ओके, चिकन का हम लोग यहाँ पे घर बना सकते हैं, तो ये भी चीज़ काफ़ी बढ़िया। ओके, तो हम लोगों ने चिकन का अपने कैंप में यार घर भी बना दिया है, तो अभी अपने चिकन आराम से घर के अंदर रह सकते हैं यार, ये चीज़ काफ़ी सही लग रही है। तो ऐसे ही अपने कैंप को फुल अपग्रेड करें। ये क्या चीज़ है,
लेदर वर्कर टूल्स, ओके यहाँ पे लेदर वर्कर टूल्स भी है, तो शायद ये कपड़े वगैरह भी यहीं पे बन जाएंगे। ये चीज़ बढ़िया है गाइज। अब बुचर की शॉप यहाँ पे ओपन हो चुकी है, तो अभी अपने को बाहर जाके सेल करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सेल हो जाएगा, यहीं से मैं खरीद भी सकता हूँ, मतलब फ्री में मिल जाएगा। ओके कैम बोट भी बना दो, बोट भी मैंने यहाँ पे खरीद ली कैम के लिए, बहुत सही। अभी कैम के लिए बोट हो चुकी है, हम लोग बोट का यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी जाना होगा बोट से चले जाएंगे। कैम को अपग्रेड करने में ना एक अलग ही मज़ा आता है भाई। $1,000 ख़त्म कर दिया, बट कोई दिक्कत नहीं है। और है क्या? ओके और नहीं है, पीछे कुछ रह गया था क्या अपग्रेड करने के लिए? मैं एक बार नोट देख लेता हूँ, एक सेकेंड। ओके सब कुछ अपग्रेड कर रखा है मैंने, कुछ नहीं बचा हुआ यार, एक सेकेंड। ये क्या चीज़ है? कुछ तो है यहाँ पे, ये भी अपग्रेड कर दो, जो भी है ना यहाँ पे सारी चीज़ें अपग्रेड कर दो। एंड इस वाले पेज में भी कुछ रह गया। ओके रीस्टॉक करना है, मतलब जो सामान ख़त्म हो जाएगा हम लोग उसको रीस्टॉक भी कर सकते हैं। ओके तो बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है कि किस किस ने कितना पैसा कैंप में डोनेट किया है। सबसे ज़्यादा तो मैंने यहाँ पे किया है, वैसे यहाँ पे रात हो चुकी है, पर अभी अपना कैंप फुल्ली अपग्रेड हो गया है, बुचर की शॉप भी यहाँ पे आ चुकी है, तो अपने को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जितने भी मैं एनिमल वगैरह हंट करूँगा ना, सब यहाँ पे सेल भी करूँगा एंड डोनेट भी कर सकता हूँ। एंड एक बार देखते हैं कि बुचर की शॉप से हम लोग को कुछ मिलेगा भी या सिर्फ हम लोग यहाँ पे मतलब बेच ही सकते हैं, फ्री में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? अबे हट जा भाई, हट जा, एक सेकंड यार, अब ये रात में बंद हो रखी है यार, ये सुबह खुलेगी। अरे भैया हट जाओ यार, अभी मेरे को कुछ काम वाम नहीं करना। ये बहुत सही, तो आज हम लोगों ने यार काफ़ी सही काम किया यार, बैंक रॉबरी करी हम लोगों ने, काफ़ी पैसा कमा लिया। इस पैसे का हम लोग बहुत सही यूज़ करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि इस पैसे का क्या यूज़ करें, मतलब घोड़े के लिए बचा के रखें, या फिर बढ़िया से कपड़े खरीदें, या फिर वेपन वगैरह खरीदें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट भी कर देना। बाकी मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।